अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि उर्दू ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए, तो उसी के बेस पर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड की हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि उर्दू में लेटर कैसे लिखते हैं। उर्दू में लेटर को बोलते हैं खत, और खत लिखने को उर्दू में बोलते हैं खतूत नवेसी, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि लेटर राइटिंग उर्दू में कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, मैं तो आपको बताऊंगी कि ख़त कैसे लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का। ठीक है, उसमें आप कैसे ख़त लिखेंगे। सबसे पहली बात कि जो मौलवी होते हैं, जो उर्दू का पेपर साइन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं ख़त लिखने में, कि आप शुरू में कैसा लिख रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग कैसा कर रहे हैं, और आप एंड कैसा कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कैसे कर रहे हैं लेटर लिखते समय। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात होता है कि आप शुरू में कैसे लिख रहे हैं और लास्ट में कैसे आपका लिखने का तरीका है। तो वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलती, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं कि शुरू में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, तो मेन फोकस यहीं पर करना है। देखिए, शुरू में आप किसके पास ख़त लिख रहे हैं, उसको किस तरह आदाब किया जाएगा, सलाम किया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है, एंड करते हैं लास्ट में, तो लास्ट में किस तरह बोला जाता है वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मकतूब अलैह किसको बोलते हैं, जिसके पास ख़त लिखा जाता है। अब मान लीजिए आप वालिद के पास ख़त लिख रहे हैं, तो शुरू स्टार्ट किस तरह करेंगे। तो आप जब आप वालिद के पास ख़त लिख रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे मोहतरम अब्बा जान, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, ये शुरू होता है। और ये मैं बताऊंगी कि इस बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी कि कैसे ख़त लिखा जाता है, किधर पता लिखा जाता है, किधर डेट लिखा जाता है। लेकिन सबसे पहले अल्फाज किस तरह होगा बोलने का, कि वालिद वालिद को किस तरह अदाब किया जाए, उसका अल्फाज किस तरह बोला जाता है, वो मैं लिख दी हूँ कि मोहतरम अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, ये हो गया शुरू का अल्फाज बोलने का, किस तरह आप आदाब करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, जब आप ख़त्म कर देते हैं, आप सारा बात कह चुके बीच में, ठीक है, और लास्ट में ख़त्म करते वक्त क्या बोलेंगे आप वालिदा को, वालिद को आपका बेटा, यानी कि सारा बात आप ख़त्म कर दिए, लास्ट में बोल देते हैं आपका बेटा, या फिर आपका फरमाबरदार बेटा, जो भी नाम है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो शुरू में आदाब करते समय मोहतरम अब्बा जान, और ख़ात्मा में आपका बेटा। अगर आप वालिदा के पास ख़त लिख रहे हैं, यानी कि आप अपनी अम्मी के पास ख़त लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मोहतरमा अम्मी जान। वालिद के पास अगर ख़त लिख रहे हैं, तो शुरू में आदाब करेंगे मोहतरम अब्बा जान, लेकिन जब आप वालिदा यानी कि अम्मी के पास ख़त लिख रहे हैं, तो मोहतरमा अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम आप लिखेंगे। ठीक है, और ख़त्म करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आपका बेटा, या फिर आप लड़की हैं तो आपकी बेटी। उसके बाद उस्ताद यानी कि टीचर, टीचर के पास ख़त लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसके पास किस तरह शुरू में आदाब करेंगे, उस्ताद मोहतरम अस्सलामु अलैकुम, फिर आपको जो बात बोलना है वो बोल लीजिए, और लास्ट में जो जब ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, आपका शागिर्द। शागिर्द मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका शागिर्द लिख लीजिएगा लास्ट में ख़त्म होते वक्त। अगला क्या है, मकतूब अलैह, मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास ख़त लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो शुरू किस तरह करेंगे, मेरे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, और जब आप अपना सारा बात कह चुके बीच में, लास्ट में ख़त्म करेंगे तो आपका शादिक। ठीक है, अगर आप अपनी बड़ी बहन के पास ख़त लिख रहे हैं, तो लिखेंगे प्यारी आपा जान, आपा का मतलब होता है बड़ी बहन, बाजी, ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे प्यारी आपा जान अस्सलामु अलैकुम, और लास्ट में लिखेंगे ख़त्म करते वक्त आपका अजीज़ भाई, या फिर आपकी अजीज़ बहन। ठीक है, छोटी बहन के पास अगर आप ख़त लिख रहे हैं, तो प्यारी बहन अस्सलामु अलैकुम, और ख़त्म किस तरह करेंगे, आपका भाई या फिर आपकी बहन। ठीक है, सहेली के पास ख़त लिख रहे हैं, तो प्यारी सहेली या फिर अजीज़ सहेली अस्सलामु अलैकुम शुरू में लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, तो तुम्हारी प्यारी सहेली या फिर तुम्हारी सहेली लास्ट में ख़त्म करते वक्त लिख देंगे। मकतूब अलैह में अगर अजनबी हो, जिसको आप नहीं जानते, अजनबी हो, उसके पास शुरू में किस तरह लिखेंगे, मकरमी मोहतरमी या फिर मकरम अस्सलामु अलैकुम, ये तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका मखलिस। तो ये है शुरू
किस तरह किया जाता है उसका अल्फाज, यानी कि शुरू आप किस तरह करेंगे, किस तरह आदाब करेंगे, किस तरह ख़त्म करेंगे, स्टार्ट किस तरह करेंगे, एंड किस तरह करेंगे, ये अल्फाज मैं सिर्फ लिख दी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह, किधर पता लिखा जाता है, किधर डेट लिखा जाता है, किधर लिखा जाता है ख़त्म करते वक्त आपका बेटा, और किस तरह सलाम वगैरह किया जाता है, ये सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखकर मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जब वालिद रहेगा तो किस तरह आप उसको आदाब करेंगे, किस तरह सलाम करेंगे, अगर वालिदा रहेंगी तो वो किस तरह आप आदाब करेंगे, किस तरह सलाम करेंगे। यहाँ पर वालिद है तो मोहतरम अब्बा जान, वालिदा है तो मोहतरम अम्मी जान, अगर चाचा हैं, चाचा के पास अगर ख़त लिख रहे हैं तो लिख देंगे मोहतरम चाचा जान, मामू के पास कर रहे हैं तो मोहतरम मामू जान, ठीक है, खालू के पास कर रहे हैं तो मोहतरम खालू जान, और अगर बड़े भाई के पास कर रहे हैं तो मोहतरम भाई जान, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं आपको समझाती हूँ ख़त लिखकर, तब तक आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं यहाँ पर ख़त को लिख दी हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप कॉपी पर लिखेंगे जिसमें आपको 100% मिलेगा मार्क्स, या चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 30 नंबर का हो, जितना भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ख़त लिखते समय, आप सबसे पहले अपनी पेज के दाईं तरफ क्या लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, और जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे, ठीक है। तो पता और डेट लिख देंगे अपने पेज के दाईं तरफ, ठीक है। और जिसके पास ख़त लिख रहे हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझाई कि अगर वालिदा के पास लिखना है तो मोहतरमा अम्मी जान, वालिद के पास लिखना है तो मोहतरम अब्बू जान, तो वहाँ पर वो यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अब्बा जान के पास लिख रहे हैं ख़त तो लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और उसके ठीक बाद आप लिखेंगे उम्मीद है कि आप लोग बेखैर व आफ़ियत होंगे, मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। ये हो गया शुरू का, इतना दूर क्या है शुरू का है। दाएं तरफ लिखेंगे पता और डेट, और फिर उसके बाद मोहतरम अब्बा जान या अम्मी जान या चाचा जान जो कुछ भी हो, और फिर अस्सलाम वालेकुम लिखकर उम्मीद है कि ये सारी लिख देना है बात। बस यहाँ तक ये स्टार्टिंग हो गया। अब आप जिस चीज़ के लिए ख़त लिख रहे हैं, 500 रुपये मांगने के लिए, या बुक मांगने के लिए, या कलम कॉपी जो कुछ भी मांगने के लिए आप ख़त लिख रहे हैं, वो बीच में बात लिख देंगे, और एंड में लास्ट में क्या लिखेंगे, मेरी तरफ से वालिदा साहबा की खिदमत में आदाब और बच्चों को दुआएं खैर, बस ये आपको एंड में लिख देना है। और लास्ट के आप बाईं तरफ लिखेंगे, पेज के बाईं तरफ आपका फरमाबरदार बेटा या फिर बेटी, और अपना नाम लिख देना है यहाँ पर समन सफ़ायत, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लिख दी हूँ समन सफ़ायत उसी तरह। तो ये हो गया आपका पूरा ख़त, जिसमें आप एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले दाईं तरफ क्या लिखेंगे, पता डेट, उसके बाद जिसके पास ख़त लिख रहे हैं उसको आदाब सलाम करना है, वो लिख देंगे मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद क्या लिखना है, ये शुरू वाला अल्फाज लिख देना है, जुमला लिख देना है। उसके बाद जो कुछ भी आपको जिस चीज़ की मांग करनी है अपने अब्बू जान या चाचा जान से, वो बीच में लिख देना है, वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर 500 रुपये को आपकी ज़रूरत है, आपको अब्बू जान से मांगना है, तो बीच में आप लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या कर देंगे आप, ये लिख देंगे मेरी तरफ से वालिदा साहब, ये बात लिख देंगे, और फिर उसके बाएं तरफ लिख देंगे आपका फरमा बरदार बेटा या फिर बेटी समन सफ़ायत। ये हो जाएगा आपका पूरा ख़त, जिसमें जब आपका एग्जामिनर चेक करेगा तब उसको अगर दिखेगा कि हाँ सही स्टार्टिंग अच्छा की है और लास्ट एंडिंग अच्छा की है, तब आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर वो 5 नंबर का है तो 5 नंबर फुल मिलेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो ये आपको ख़त लिखने का तरीका, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।